है फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, जिसपे से मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन और जो डिफरेंट ऑपरेशंस हम बाइनरी सर्च ट्री पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशन इन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कि है इंसर्ट एंड क्रिएट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन। उसके बाद अभी इस वीडियो में मैं आपको डिलीट ऑपरेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, और उसके बाद द नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल टिकटॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट दे रही हूँ। बाइनरी सर्च ट्री जो होता है उसका कुछ स्पेशल, तो वो स्पेशल बिहेवियर क्या होता है, तो वो होता है कि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो हमेशा रूट नोड की और पेरेंट नोड से उसकी वैल्यू कम होती है, और वाइस वर्सा राइट चाइल्ड की वैल्यू उसके पेरेंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 27, ये जो है वो पेरेंट नोड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से कम है और राइट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट नोड से ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम ये सब ट्री देखते हैं तो पेरेंट नोड है 35, उसका लेफ्ट चाइल्ड 31 जो कि लेस देन पेरेंट नोड है, और 43 जो कि लेस देन सॉरी ग्रेटर देन पेरेंट नोड है। अभी ये सारे बेसिक ऑपरेशन से हम फोकस कर रहे हैं डिलीट ऑपरेशन पे। तो चलो देखते हैं डिलीट ऑपरेशन और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। सबसे पहले डिलीट ऑपरेशन करने के लिए हमें जो बाइनरी सर्च ट्री होता है वो आइदर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, या तो फिर कंस्ट्रक्टेड बाइनरी ट्री में से हम डिलीट एखाद दूसरा नोड हम कर सकते हैं। अभी डिलीट करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, हमें रूट नोड से स्टार्ट करना होता है, और हमें सर्चिंग ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्योंकि जो नोड डिलीट करना है, जो की डिलीट करनी है, उसको हमें सर्च करना है। तो अगर की सर्च होती है, मतलब की सक्सेसफुल सर्च होता है, डिलीट की अगर फाउंड होती है, तो वहाँ पे तीन केसेस हमें हैंडल करने पड़ते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द डिलीट ऑपरेशन। तो वो तीन केसेस में नेक्स्ट स्लाइड पे इन डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके एग्जाम्पल के साथ। अगर डिलीट की हमें फाउंड नहीं होती है तो जो सक्सेसफुल फाउंड नहीं है, इसीलिए मतलब कि वो की अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से केसेस हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं टू परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन। तो सबसे पहला केस जो होता है वो क्या होता है, अगर जो नोड हमें डिलीट करना है वो लीफ नोड है, राइट? अगर वो लीफ नोड है तो हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। सेकेंड केस क्या होता है, अगर जो नोड डिलीट करना है उसको सिंगल चाइल्ड है, वो पेरेंट नोड है पर उसको सिंगल चाइल्ड है, राइट? अगर ये सिचुएशन होता है तो हमें क्या करना है वो भी हमें देखना है। और थर्ड केस, अभी अगर आपको इफ यू आर स्मार्ट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट विल बी द थर्ड केस, तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, हमें पेरेंट नोड डिलीट करना है पर उसके दोनों चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड, तो इस सिचुएशन हमें क्या करना है, राइट? तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल, अभी ये एक एक केस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं कि अगर हमें लीफ नोड डिलीट करना है, मान लो ये कंस्ट्रक्टेड बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास है, अभी की वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं वो है 22, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि है लीफ नोड, राइट? अभी लीफ नोड है तो इस नोड पे तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, राइट? इट इज अ लीफ नोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए हमें सर्चिंग करना होगा फ्रॉम अ रूट नोड, राइट? तो रूट नोड क्या है यहाँ पे 56, तो 56 कंपेयर किया, ये कि सर्च की इक्वल टू नहीं है। उसके बाद क्या वो सर्च की 56 से लेस है, तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेके डिसाइड करेंगे कि हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है। लेफ्ट सब ट्री में क्या है 25 को कंपेयर किया, ये सर्च की है क्या, नहीं।
तो 25 को फिर से हम कंपेयर करेंगे की वैल्यू से, की वैल्यू जो कि लेस है, फिर से हम लेफ्ट सबट्री में जाके अभी 19 से कंपेयर करेंगे। अभी 19 से कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हो कि की वैल्यू 22 जो है वो 19 से ग्रेटर है। तो 19 से अगर ये ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें राइट सबट्री को मूव होना है। तो चलो राइट सबट्री को मूव होते हैं। राइट सबट्री को मूव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों वैल्यू जो कि की नोड है और जो करंट आपका नोड है वो दोनों इक्वल है। इसलिए इसका मतलब है हमारा सर्च की फाउंड हो चुका है, सर्च सक्सेसफुल हुआ है और ये नोड अभी हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो हमें डिलीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है नहीं, क्योंकि ये लीफ नोड है, उसके कोई चाइल्ड नोड नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमें उसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करते टाइम हमें क्या करना है, जो 19 का राइट पॉइंटर होता है वो हमें नल कर देना है। राइट, नल इसका मतलब 19 को कोई राइट चाइल्ड अवेलेबल है नहीं, तो इसका मतलब हमने 22 को डिलीट कर लिया है। अब इस सेकेंड केस पे फोकस करते हैं। सेकेंड केस क्या है, जो नोड हमें डिलीट करना है वो पेरेंट नोड है पर उसको सिंगल चाइल्ड है। राइट, सिंगल चाइल्ड है तो उस पर चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नोड पेरेंट नोड हमें डिलीट करना है उसको सिंगल चाइल्ड नोड है तो ऑब्वियसली पेरेंट पे चाइल्ड नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको चाइल्ड नोड के बारे में कोई डिसीजन लेना पड़ता है। यही हम सारा केस टू में देखने वाले हैं। अभी ये वाला ट्री जो हमने लास्ट टाइम देखा था वही यहाँ पे हम देखेंगे। अभी देखते हैं सर्च की क्या है, सर्च की है 86। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है रूट नोड से, कंपेयरिंग करना है, सर्च करना है, डिलीट की 56 से कंपेयर किया जो कि इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन रूट नोड है, इसका मतलब है कि वो राइट सबट्री में अवेलेबल होगा। तो स्टेप डाउन होते हैं राइट सबट्री को और यहाँ पे 65 से कंपेयर करते हैं। 65 से भी 86 ग्रेटर है तो फिर से हम राइट सबट्री में मूव हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सर्च की इक्वल है, सर्च की और ये करंट नोड इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सिचुएशन क्या है, डिलीट अ नोड विथ अ सिंगल चाइल्ड। राइट, तो ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है जो कि सिंगल चाइल्ड है। अभी ये नोड हमें डिलीट करना है। अभी अगर ये डिलीट करना है तो इसका मतलब क्या है, जो उसका सिंगल चाइल्ड है दैट मे बी अ लेफ्ट चाइल्ड और दैट मे बी अ राइट चाइल्ड, आपको क्या करना है, उसको उसके पेरेंट नोड से रिप्लेस कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने 86 को रिमूव कर लिया, कॉपी द चाइल्ड नोड और ये हो गया आपका डिलीट ऑपरेशन। तो यहाँ पे 65 के राइट चाइल्ड में जो 86 का एड्रेस था वो हमने रिप्लेस कर लिया 86 के लेफ्ट चाइल्ड से, मतलब कि 72 से, ये आपको उसके प्रोग्राम में लिखना है। तो ये हो गया डिलीशन ऑफ नोड विथ अ सिंगल चाइल्ड। और अभी हम थर्ड केस देखते हैं कि अगर दोनों चाइल्ड अवेलेबल है तो हमें क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है। लीफ नोड डिलीट करते टाइम हमें कोई भी देखने की जरूरत नहीं थी, पेरेंट नोड के उस पर्टिकुलर पॉइंटर पे हमें नल लिख लेना था, तो ये हो गया। अगर सिंगल चाइल्ड नोड है तो वो चाइल्ड नोड हमें उस पेरेंट नोड से जो कि हमें डिलीट करना है उससे रिप्लेस कर लिया, ये भी हो गया। पर अभी दोनों चाइल्ड नोड है तो ऑब्वियसली हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोनों चाइल्ड नोड अगर है तो डिलीट करने के बाद क्या चेंजेस होगी, तो चलो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे टू वेज होते हैं, अगर दोनों चाइल्ड है तो रिप्लेसमेंट के लिए टू वेज होते हैं, टू ऑप्शंस होते हैं। रिप्लेस टू बी डिलीटेड नोड, मतलब कि जो पेरेंट नोड हमें डिलीट करना है, विथ इन ऑर्डर सक्सेसर। और वे नंबर टू होता है रिप्लेस टू बी डिलीटेड नोड, मतलब कि पेरेंट नोड, विथ इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। राइट, फर्स्ट वे जो है जहाँ पे हम इन ऑर्डर सक्सेसर से वो रिप्लेस करने वाले हैं, डिलीट जो कि नोड हम करने वाले हैं उस नोड को हम इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करेंगे। और इस केस में जो कि नोड हम डिलीट करने वाले हैं उसको हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला केस जहाँ पे हम इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो गया आपका इन ऑर्डर सक्सेसर वाला एग्जाम्पल जहाँ पे हम
नोड ऐसा डिलीट करने वाला है जिसके दोनों चिल्ड्रन अवेलेबल है। तो चलो लेते हैं वन ऑफ द सर्च की विच इज 25। यहाँ पे 25 और जहाँ जिसको लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। तो ऑब्वियसली हमें जैसे कि पहले दो केसेस में किया था वैसे ही रूट नोड से स्टार्ट करके कंपेयर करके सर्च करना है कि हमारा की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे 56 से स्टार्ट करते हुए 25 जो लेस देन 56 है तो लेफ्ट सब ट्री में मूव होके यहाँ पे कंपेयर करने के बाद दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं। रुकने के बाद हमें पता चलता है कि 25 को लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। 25 को लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है तो ये हमारा केस 3 हो गया। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन ऑर्डर सक्सेसर के रिप्लेसमेंट की। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ अ नोड। अभी इसके लिए आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पता है। अगर वो आपको पता नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में भी उसका लिंक दे रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिए और उसके बाद ये वीडियो रेज्यूम कीजिए। अगर आपको पता है इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है तो आप इन ऑर्डर ट्रैवर्स करो और मुझे बताओ कि इन ऑर्डर सक्सेसर इस 25 का क्या है। यस एब्सोल्युटली राइट, इन ऑर्डर सक्सेसर जो है वो है 36। 36 अब हमारे पास है जो कि हमने डिसीजन लिया हुआ है ये दोनों चाइल्ड में से हमें किससे रिप्लेस करना है, तो वो हो गया इन ऑर्डर सक्सेसर। तो चलो कॉपी द कंटेंट ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर टू द टू बी डिलीटेड नोड, मतलब कि 25 यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर लिया 36 से और ये सारी चीज़ें हमें रिमूव कर लेनी है। तो ये हो गया आपका डिलीशन के बाद आपका ट्री, बाइनरी सर्च ट्री ऐसे दिखेगा। और अभी नेक्स्ट सिचुएशन, अगर दोनों चिल्ड्रन नोड अवेलेबल है तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के बारे में अब हम सोचते हैं। तो चलो यही सेम एग्जांपल, अभी 56 हमने की नोड लिया है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी अवेलेबल है। तो डिलीट की हमें स्टार्ट करनी है सर्च करने के लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम अ रूट नोड। तो रूट नोड ये इक्वल हो गया डिलीट की से, तो उसका बाद हमें क्या सर्च करना है इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, क्योंकि ये सिचुएशन में हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या है, यस वेरी गुड इट इज 36। तो 36 से हमें यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है, तो 36 को हम रिप्लेस कर लेंगे 56 से और वो नोट डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली 36 का लेफ्ट चाइल्ड तो 19 था ही, ओनली यहाँ पे 36 का राइट चाइल्ड अपडेट करना है जो कि था हमारा पैरेंट नोड 56 का राइट चाइल्ड। सो इस तरह से हम ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ ना भूलिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो सीरीज़ का प्लेलिस्ट भी आपके साथ प्रोवाइड कर रही हूँ और इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक भी यहाँ पे दे रही हूँ। सो हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।